कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की राजस्थान शाखा की ओर से आगामी 30 सितंबर से 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर एसएम शर्मा ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में हार्ट से जुड़ी बीमारियों के इलाज के साथ साथ बचाव पर भी विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश भर के 700 से अधिक कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। अपने में एक अनूठी कॉन्फ्रेंस है जहां हम ट्रीटमेंट से पहले के स्टेप्स पे बात करेंगे, रोगी को बीमारी ना हो उसके बारे में, हृदय रोग हो ना उसके बारे में गहन विचार विमर्श किया जाएगा और जड़ से रोग को कैसे हटाया जाए, उसके लिए क्या हमारे ऐसे प्रयास होने चाहिए, क्या ऐसे कदम हैं जो हम लें जिससे कि रोग हो ही ना। तो प्रिवेंशन की जो बात है वो इस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी, जिसमें कि हम बीमारी के जेनेटिक पहलू जो है जीन थेरेपी के बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि कैसे हेल्दी रहा जाए जिससे कि हार्ट डिजीज़ ना हो। यहाँ पर एक अनूठा एक जो 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 एक डिस्कशन है वो अर्बन मैनेजमेंट के बारे में होगा, हमारे शहरों को किस प्रकार से प्लानिंग की जाए कि जो वहाँ के वासी हैं वो स्वस्थ रह सके, किस तरह के वहाँ पर फुटपाथ्स प्लान किए जाएँ, किस तरह साइकिल ट्रैक प्लान किए जाएँ। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जो आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है। हार्ट डिजीज़ जैसा कि आपको पता है कि नंबर वन किलर जो है पूरे वर्ल्ड का वो हार्ट डिजीज़ है। करीब 1,70,00,000 आदमी हर साल मौत के मुँह में समा जाते हैं। ये जो आंकड़ा है ये पूरे वर्ल्ड का है। इसमें ये पता चलता है कि ना तो एक्सीडेंट, ना कैंसर, ना लंग डिजीजेज, ना महामारी ऐसी कोई चीज़ है जो कि हार्ट डिजीज से ऊपर है। हार्ट डिजीजेज को हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें कार्डियक और वैस्कुलर डिजीजेज आ जाती है, जिसमें नाड़ियों संबंध भी होती हैं, आर्टरी से भी होती हैं। और जो 1,70,00,000 डेथ मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसमें 85% डेथ जो है वो हार्ट अटैक से और स्ट्रोक से होती है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सबके लिए है, सबको देख सबको सुनने की चीज़ है।